हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एलिनोर कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, बहुत दिन में आप लोगों से बात किए हुए फेस टू फेस। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और मैं आप सभी को त्योहारों का सीजन चालू है उस हिसाब से मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली दिवाली की लाख लाख शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुआ करता हूँ। और आपके दुआओं में भी, आपके प्रेयर्स में भी हमें याद रखिए दोस्तों, और हमें खूब खूब प्यार अता करें हमें और हमारे फैमिली के लिए। आप भी दुआएं करें। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज एक टैबलेट का मैं रिव्यू देना चाहता हूँ आप सभी को, जिस टैबलेट का नाम है ज़ेनोसिनियफ। ज़ेनोसिनियफ नाम की एक टैबलेट बिकती है फ्रेंड्स, या फिर उसको अल्टरनेट नेम उसका ज़ेनोसिनियफ जो है, ये सन फार्मा इस कंपनी का टैबलेट है और इस टैबलेट का कंटेंट है ओफ्लॉक्सेसिन 200 mg और फ्लावेक्सेट हाइड्रोक्लोराइड 200 mg। ये ज़ेनोसिनियफ नाम की टैबलेट है या फिर इसका अल्टरनेटिव ब्रांड एक है जो कि मैनकैंड इस कंपनी का ये ब्रांड है जिसको कहते हैं, और कंटेंट तो सेम है ओफ्लॉक्सेसिन और फ्लावेक्सेट हाइड्रोक्लोराइड, बट इसका ब्रांड नेम है फ्रेंड्स ज़ेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट, ज़ेनफ्लॉक्स यूटीआई और टैबलेट ज़ेनोसिनियफ। ज़रूर इस टैबलेट का यूज़ अपने प्रैक्टिस में या कभी भी आपके कोई पेशेंट्स तकलीफ में हैं तो उस टैबलेट का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप इस टैबलेट्स के इंडिकेशन बताऊँगा दोस्तों, किन किन तकलीफ़ों में आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब में दोस्तों, ये एक एक्सीलेंट 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 ऐसी टैबलेट है। जब मैं इसका रिजल्ट लेने लगा दोस्तों, जब मैं इसका प्रैक्टिस में यूज़ करने लगा तो मुझे ये इसका जो है बहुत ही फ़ायदा हुआ दोस्तों। तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टैबलेट है आप 3-4 कंडीशंस में वापरते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं बर्न एंड मिक्चुरेशन फीवर, जिसको हम उसका UTI ऐसा नाम रखे हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी प्रकार का यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपके पेशाब के जरिए कोई चीज़ इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में बर्निंग मिक्चुरेशन या ट्रिपल मिक्चुरेशन या लेस मिक्चुरेशन या ओवर मिक्चुरेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जब इंक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में भी आप ज़ेनोसिनियफ दे सकते हैं, नंबर वन। नंबर दो, अगर आपके पास कोई स्टोन का पेशेंट है और जिसका स्टोन यूरेटर में फंसा है, या फिर जिसका स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में आया है, या फिर जिसका स्टोन जो है यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के बीच में कहीं पे है, या फिर पेनाइल जो पार्ट होता है उस भाग में यूरेथ्रा के टिप के ऊपर ये स्टोन है, उस कंडीशन में भी ये ज़ेनोसिनियफ बहुत ही काम में आता है। आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी कोई पेशेंट्स ऐसे आपके सामने आएंगे जो आपको बताएंगे कि मुझे थोड़ी 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 देर से कंटिन्यूस पेशाब हो रहा है, पर पेशाब रुक नहीं पा रहा है, बट कंटिन्यूस यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो है वो रुक ही नहीं पा रही है दोस्तों। वैसे कंडीशन में जब मैंने ज़ेनोसिनियफ का यूज़ किया फ्रेंड्स, तो बहुत ही एक्सलेंट और फैंटास्टिक इसका रिजल्ट आया। तो UTI हो या स्टोन हो, ऐसी कंडीशन में हमें ज़ेनोसिनियफ दे सकते हैं। और एक कंडीशन का मैं आपको जिक्र बताऊँगा फ्रेंड्स, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में इसके पेशेंट्स आजकल मिलते हैं, जो कि खासकर मेल में होता है, जिसकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो पेनिस के बाजू में यूरेथ्रा के बाजू में होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है उस ग्लैंड पे, और उसकी वजह से यूरेथ्रा पे प्रेशर पड़ता है और यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और यूरिन को बार बार जाना ऐसा दिल करता है, और यूरिन जो है उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी जो प्रेशर है वो प्रेशर पूरा साफ नहीं आता है, और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रिपलिंग मिक्चुरेशन उसे कहते हैं। अगर ऐसा आप पेशेंट किसी के पास सिम्टम साइन सिम्टम बता रहा है तो उसका सोनोग्राफी करा ली, USG करा ली, अगर उसमें प्रोस्टेट डिटेक्ट हुआ है तो उसको डेफिनेटली हम ज़ेनोसिन या ज़ेनफ्लॉक्स UTI टैबलेट तो सब में पहले देना ही है, उसके साथ उसका जो है आपने USG अपडामेंट करा लें, और USG में अगर प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट के हिसाब से और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, फिर उसका PSA लेवल वो सब चेक करना है दोस्तों, PSA लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं।
यूटीआई के ऊपर नई वीडियो नहीं है, लेकिन यूटीआई के ऊपर आप समझ सकते हैं ये वीडियो को, हमारे आप यूटीआई का एक क्लासिकल वीडियो आप इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। स्टोन के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, तो इसी हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ेनफ्लक्स यूटीआई या ज़ेनोसिलियम सन फार्मा और मैनकाइंड फार्मा और इसके साथ कोई भी अल्टरनेटिव पेन किलर्स आयुर्वेदा नेरी चंद्र प्रभावती आप देकर उस कंडीशंस के पेशेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप हल कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि कोई कोई पेशेंट को जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफ फ्लक्सेसिन जो कंटेंट है उसका रिएक्शन होता है, तो बहुत ही ऐसे कम पेशेंट मिलते हैं, 100 में से एक आध दो तीन चार जो भी है, मिनिमम 5% मिनिमम एकदम लेस, तो उस कंडीशन में हमें फ्लैवोक्सेट हाइड्रोक्लोरिक का सेपरेट टैबलेट्स भी मिलते हैं, फ्लैवोसिप है, फ्लैवोस्पास है, यूरिस्पास है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए 200 mg, वो प्लेन टैबलेट भी आप तीनों कंडीशंस में दे सकते हैं, जिससे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का जो भी स्पैजम है या जो भी वहाँ पे क्रैम्प्स हैं या जो भी वहाँ पे रुकावट है वो सब कम होगा दोस्तों, और इसी के साथ जो है आपको बहुत ही अच्छा फ़र्क मिलेगा। होप दोस्तों आपको आज के वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, ज़ेनोसिन एफ ऑफ्लॉक्सेसिन प्लस फ्लैवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड, इस कंटेंट्स का आप रेगुलर यूज़ करें और अपने पेशेंट्स का भला करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।